गुड इवनिंग एवरीवन। चलो यार आ जाओ, नोट्स वगैरह सारी चीज़ें दिख रही है, ऑल सेट। मेरी आवाज़ आ रही है, मैं दिख रही हूँ, मेरी नोट दिख रही है, बता दो यार। डन। ओके ओके चलो चलो। जो भी बच्चा ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहा है, आई रिक्वेस्ट बेटा प्लीज़ प्रीवियस सेशन देख कर आओ, ठीक है? बिकॉज अगेन यहाँ पे जो रिवीजन होगा वो एकदम फास्ट ट्रैक मोड में रिवीजन होगा, है ना? थोड़ा सा आपने पहले वाले लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है? चलो, बट फिर भी इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, वो कुछ भी नहीं आता है तो भी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है? अगर आप इकोनॉमी बोलते हो, इकोनॉमी, तो बस अपनी आंखें बंद कर लो और आप आपके बाहर की दुनिया देखो कि ये बाहर की दुनिया कैसे चलती है, ठीक है? आप अपनी बाहर की दुनिया देखो, बाहर की दुनिया में क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है, वो सब इकोनॉमिक का पार्ट है, वो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है। इकोनॉमी क्या है? इट्स अ सिस्टम, ठीक है? इकोनॉमिक एक प्रोसेस है, ये एक सिस्टम है कि भाई इंडिया की इकोनॉमी किस हिसाब से काम करती है, इंडिया का सिस्टम किस हिसाब से चलता है, ठीक है? ओके, ये वाला पार्ट समझाओ। ओके, कितने टाइप के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है? ओबियसली या तो कोई इंसान गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, या तो कोई इंसान गुड्स को बना बनाया रेडीमेड गुड्स लाके वो इंसान ने डिस्ट्रीब्यूट करना है, या फिर कंजम्पशन, ठीक है? जैसे हमने माइक का कंजम्पशन कर किया है, हमने पेन का कंजम्पशन किया, सिंपल, ठीक है? तो देर आर ओनली थ्री इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, ये भी हमने देख लिया था। इकोनॉमिक्स क्या होती है मैडम? ये इकोनॉमिक्स क्या होता है ना? क्या होता है ये इकोनॉमिक्स? यस पार्थ, रेज योर हैंड, बताओ मुझे इकोनॉमिक्स क्या होता है। लो, चलो बोलो। बस इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी, जैसे और ओके ओके और कुछ याद आ रहा है? इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, ठीक है? सारे ह्यूमन बिहेवियर्स नहीं, ठीक है? मतलब अगर मेरे सामने कोई स्वीट रखी है तो मैं कैसे खाऊंगी, वो ह्यूमन बिहेवियर नहीं है। मुझे डेरी मिल्क किसी ने चॉकलेट दिए तो तब मेरा रिएक्शन, वो ह्यूमन बिहेवियर नहीं, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है? ओके मतलब याद है ना चीज़ें, याद है ना सारी चीज़ें। ओके ठीक है, चले यार, जिन भी बच्चों का आज फर्स्ट लेक्चर है उनके लिए एक बार मैं वापस से थोड़ा सा क्विकली आपको रिकैप कर देती हूँ, बिकॉज 2 दिन का ब्रेक हो गया है, ठीक है? इकोनॉमिक्स क्या होती है यार? इकोनॉमिक्स मतलब ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी करना। आपको पता है इकोनॉमिक्स सोशल साइंस बोलते हैं, और जब आप लोग थोड़ा सा आगे जाओगे ना तब आप यहाँ पे बोलोगे डिसिमल साइंस, पुअर साइंस, ये भी हम लोग स्टडी करेंगे, अभी नहीं, अभी 12th स्टैंडर्ड में नहीं, आगे जाके डिसिमल साइंस बोला जाता है, पुअर साइंस बोला जाता है। मैडम क्यों? अभी ये सोशल साइंस, सोशल सोशल वर्ड तो हमें समझ में आ गया था मैडम, कि वहाँ पे हम लोग ये सोशल सोशल बोला तो सोसाइटी, सोसाइटी बोला तो वहाँ पे रहने वाले लोग, लोगों की स्टडी करना, वहाँ उनके ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करना, उनके इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करना, ये तो समझ में आ गया था मैडम। अब ये डिसिमल साइंस क्या होता है? यस एनीबॉडी, एनीबॉडी, यू वॉन्ट टू ट्राई? जल्दी जल्दी से एक बार बता दो, चैट करो, ठीक है? मैसेज करो अगर आपको कुछ भी पता है तो। हाँ आकाश, आपके क्वेश्चन, ये बेटर, जो भी डाउट्स है आप मैसेज करो, ठीक है? नो आइडिया डिसिमल साइंस क्यों बोलता है। ओके चलो, अब ध्यान से सुनना, इकोनॉमिक्स को डिसिमल साइंस भी बोला जाता है। अच्छा मुझे इतना बताओ, ये साइंस क्या होता है? आपकी मैडम ने आपको ये साइंस तो बता दिया था, ये साइंस क्या होता है? जो एग्जैक्ट साइंस है, जो कौन सा साइंस है? जो एग्जैक्ट साइंस है, मतलब जो एम्पिरिकली टेस्टेड है। एम्पिरिकली टेस्टेड मतलब मैडम, ये देखो इधर आ जाओ जल्दी जल्दी से, यहाँ पे मैंने आपको साइंस बताया था कि साइंस क्या होता है। तो साइंस 2 टाइप के होता है, एक होता है नेचुरल साइंस, दूसरा है सोशल साइंस।
नेचुरल साइंस, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट साइंस। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सली पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्टेबल है। अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका जो फॉर्मूला है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, वो लेबोरेटरी में टेस्टेड है, इट्स एन एक्सपेरिमेंटल, उस पर अप्रोच हुआ हुआ है। तो ये वो साइंस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, आपको वाटर ही मिलना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये एम्पिरिकली टेस्टेड है। तो साइंस क्या होता है, एम्पिरिकली टेस्टेड है वो, ठीक है। अब मैडम सोशल साइंस में तो आपने बताया था कि ये ह्यूमन बिहेवियर्स की स्टडी है, हाँ जी, तो डिसिमल साइंस क्या होता है? डिसिमल साइंस, पुअर साइंस, मतलब जो एग्जैक्ट साइंस नहीं है। इकोनॉमिक्स एक डिसिमल साइंस है, मतलब लेकिन कोरोना के टाइम पे, ध्यान से सुना, ये कोरोना के टाइम पे किसी ने ये सिचुएशन अज्यूम नहीं किया था कि भाई कोरोना आने वाला है और उस टाइम पे इकोनॉमी पे एकदम से डाउन टर्न जाएगा, इकोनॉमी में रिसेशन आ जाएगा, किसी ने ये चीज़ अज्यूम नहीं किया था, ठीक है। अब ये चीज़ें अज्यूम नहीं किया था, हमें नहीं पता था कि भाई इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा इकोनॉमी में, हमें नहीं पता था कि ये जो अपने जो रेट्स है किराना वगैरह, जो किराना का जो सामान है, किराना वगैरह के रेट्स है, वो भी इतने बढ़ जाएंगे। हमें ये भी नहीं पता था मैडम, एक जो सैनिटाइजर की बॉटल है जो 50 रुपये में मिलती है हमें, वो 200 रुपये 300 रुपये में मिलेगी, ये भी नहीं पता था। अब समझ में आ रहा है, डिसिमल साइंस भी बोलते हैं इकोनॉमिक्स को। क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये इस तरह के जो सिचुएशंस है, 2008 में यूएस में क्राइसिस आई थी, ठीक है, क्राइसिस आने वाली है, आने वाली थी, ये हमें पता नहीं था, जिसके कारण अमेरिका में, अमेरिका की इकोनॉमी डाउन टर्न गई थी, इंडिया की इकोनॉमी में डाउन टर्न हुआ था, इस सारी मतलब चाइना की इकोनॉमी में डाउन टर्न हुआ था, सारी इकोनॉमी में उतना ही इफेक्ट पड़ा था। मतलब डिसिमल साइंस मतलब क्या होता है, आगे क्या सिचुएशंस आने वाली है वो हमें पता नहीं होता है, ये समझ में आ रहा है। इकोनॉमिक्स को हम लोग साइंस 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 बोल रहे हैं, बट भाई आगे क्या सिचुएशन आने वाली वो हमें पता नहीं है बेटा, है ना, इसलिए से क्या बोल रहे हैं, डिसिमल साइंस भी बोलते हैं, ठीक है। यस, कंसेप्ट समझा? ओके, ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया अच्छी तरह से? इकोनॉमिक्स और क्या है, क्या है ये, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या होता है, याद करो, ये देखो मैडम ये भी समझ में आ गया था, देखो ये सोशल साइंस है, यहाँ पे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, है ना, ये सोसाइटी में क्या होता है, यहाँ इस सोसाइटी में प्रोडक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कंजम्पशन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, तो इसी की स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स बोलेंगे। और ये कौन से वर्ड से डिराइव हुआ, इट इज डिराइव फ्रॉम योर ग्रीक वर्ड इकोनोमिया, ठीक है, जहाँ पे आप लोग इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हो, जहाँ पे आप हम अनलिमिटेड वांट, जो हमारी अनलिमिटेड इच्छाएं हैं, पप्पा मोबाइल भी चाहिए, पप्पा ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, बाइक चाहिए, और आपको पता है डैडी अब तो क्लासेस लगाना है, क्लासेस कंपलसरी हमारे मोबाइल फ़ोन पे ही होगी, तो अब तो मोबाइल तो बनता है डैडी, बाहर घूमने भी जाना है, ये जितनी सारी आपकी अनलिमिटेड वांट्स थी ना, ठीक है, उसको आप कैसे सेटिस्फाई करते हो अपने लिमिटेड रिसोर्सेस से, इसकी स्टडी करने को हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ऑलराइट, मतलब ये दोनों चीज़ें, ये मींस मतलब क्या होता है, मींस मतलब रिसोर्सेज, अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, अरे बाबा चाहे आप अपने घर की बात करो, चाहे आप अपने बिजनेस की बात कर लो, चाहे आप पूरे इंडिया लेवल की बात कर लो, या पूरे महाराष्ट्र की बात करो, या फिर आप पूरे इंडिया लेवल की बात कर लो, हम सबके पास जो रिसोर्सेज है ना, रिसोर्सेज वो लिमिटेड है, चाहे वो मैनमेड रिसोर्सेज बोलो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज बोलो, है ना, ठीक है। तो हमारे मम्मा हमारा घर किस तरह से मैनेज करती है, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पूरा इंडिया का मैनेजमेंट, इंडिया के जो रिसोर्सेज है उसका मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं, इसी की स्टडी करने को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी की स्टडी करने को हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। सिंपल, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। जिस तरह से हमारी मम्मा हमारा घर अच्छी तरह से मैनेज करती है, हमारे घर के पैसों के व्यवहार, लेन देन अच्छी तरह से मैनेज करती है, घर का फिनेंशियल मैनेजमेंट, फिनेंशियल मैनेजमेंट मम्मा देखती हैं, ठीक है, और पूरे इंडिया का फिनेंशियल मैनेजमेंट फिनेंस मिनिस्टर देखते हैं, ठीक है। तो ये घर की स्टडी करना, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये घर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल की, माइक्रो लेवल एक छोटे लेवल की बात कर रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है,
जब आप पूरी इकोनॉमी को एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हो, जब आप पूरी इकोनॉमी की एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हो, माइक्रोस्कोप से देख रहे हो पूरी इकोनॉमी को, ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हो, आप माइक्रो बोलो, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। और जब इस जब फिनेंस मिनिस्टर पूरी इंडिया के फिस्कल पॉलिसी, बजट, ठीक है, ये सारी चीज़ें, टैक्सेशन कंट्रोल, मनी सप्लाई कंट्रोल, इंटरेस्ट रेट रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ों से फिनेंस मिनिस्टर पूरे इंडिया की फिनेंशियल पॉलिसी, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी बनाता है, फिनेंशियल पॉलिसी बनाता है। जब हम लोग इस तरह से कोई पूरी इंडिया लेवल की कुछ बात कर रहे हैं तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट आता है। और जब हम लोग एक इंडिविजुअल घर की बात कर ले या इंडिविजुअल एक अपने बिजनेस की बात कर ले, ठीक है, तो भी वो किसका पार्ट आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और फिर वहीं पे आपकी मैडम ने याद आ रही क्या, आपकी मैडम ने आपको एक एग्जांपल दिया था, बेटा लेक्चर तो बीच में मत ब्रेक करो, आप ये भेजो, ठीक है, डाउट्स भेजो, मैसेज भेजो, ठीक है, बिल्कुल आपके डाउट जहां पे फिट होके सॉल्व होगा मैं वहां पे आपको बताऊंगी, ऑलराइट, चलो यार, ओके। उसके बाद आपकी मैम ने आपको ये बताया था कि मैडम मेरे डैडी जो है ना, मेरे डैडी का बहुत बड़ी शॉप है, पूरी लेन की लेन शॉप है, बहुत बड़ी शॉप है मैम, करीबन 8 से 10 शॉप है। तो भी वो कौन सा कंसेप्ट है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। फिर आपने आप लोग बोल रहे थे कि मैडम मेरे डैडी, आपको पता है क्या, ये है सरपंच है, ठीक है, पंचायत कमेटी के हेड है, मुखिया है, तो भी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। फिर आप बोल रहे थे मैम मेरे जो डैडी है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल, मैम विलेज लेवल तो छोड़ दो, मैम पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल के आईएएस ऑफिसर है, कलेक्टर है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। मैम कैसे पता करते हो आप ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जैसे पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल की जब आप बात कर रहे हो, ठीक है, एक तरफ पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल और एक तरफ पूरा महाराष्ट्र स्टेट की बात कर रहे हो, कौन सा माइक्रो कौन सा मैक्रो बताना मुझे ज़रा। जब आप पूरे महाराष्ट्र स्टेट की बात कर रहे हो तो वो क्या हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रहे हो तो वो क्या हो जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मैडम मतलब हमेशा महाराष्ट्र स्टेट की बात कर रहे हो तो वो मैक्रो है क्या, ऐसा किसने बोला। अब देखो, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट की बात कर रहे हो और एक तरफ आप पूरे इंडिया लेवल की बात कर रहे हो, पूरे इंडिया की इकोनॉमी की बात कर रहे हो कि महाराष्ट्र में पॉपुलेशन इतनी है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक्स अमाउंट यहाँ इसमें इस यहाँ महाराष्ट्र स्टेट की पॉपुलेशन इतनी है, और जब आप पूरे इंडिया के लेवल की पॉपुलेशन से कंपेयर कर रहे हो तो महाराष्ट्र स्टेट का जो बात कर रहे हो आप वो क्या हो रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है। पूरे इंडिया लेवल की बात कर रहे हो तो कौन सा कंसेप्ट है, मैक्रो, बड़ा लेवल मैक्रो, ठीक है, लार्ज लेवल। आपको पता है कि ये जो माइक्रो है ये कौन से वर्ड से आता है, इट इज डिराइव फ्रॉम योर ग्रीक वर्ड मिक्रोस, MIKROS। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम योर ग्रीक वर्ड मैक्रोस, MAKROS, ये ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। मैडम मतलब ये पूरे इंडिया लेवल की बात करना हमेशा मैक्रो है, किसने बोला, लो एक तरफ इंडिया लो, दूसरी तरफ लो भाई पूरा वर्ल्ड लो, तो समझ में आ रहा, आप किस चीज़ से कंपेयर करो, अरे पूरे वर्ल्ड का जीडीपी इतना है, इंडिया का जीडीपी इतना है। जब आप पूरे इंडिया की जीडीपी की भी बात कर रहे हो तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जब पूरे वर्ल्ड की जीडीपी से जब आप उसे कंपेयर करो तो पूरे वर्ल्ड का जो डेटा से आप कंपेयर करो दैट इज योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आ रहा है, माइक्रो मैक्रो, ये बेटा करण प्लीज़ आप एक बार हरीश सर से बात कर लेना, ठीक है, रिगार्डिंग दिस इशू, ठीक है, जो भी इश्यूज है आपके बिल्कुल आप हरीश सर से बात कर सकते हो डेटा रिगार्डिंग का, ओके, चलो यार, एंड डोंट वरी, जब 200 MB जो है ना अप्रोक्सीमेटली, जब हमने टेक्निकल टीम से अभी बात कर रखी है कि बच्चों को हमने कितना कौन सा डेटा प्लान सजेस्ट करना चाहिए वो भी बात किया, एक बार टेक्निकल टीम का आंसर आ जाता तो हम आपको वो भी सजेस्ट कर देंगे, ऑलराइट, चलो यार। माइक्रो मैक्रो क्या होता है ये समझ में आ गया क्या, माइक्रो क्या होता है मैक्रो क्या होता है, अच्छी तरह से समझ में आया, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि हम किस चीज से कंपैरिजन कर रहे हैं वो यहाँ पे मैटर करता है, ठीक है, तोड़।
बिजनेस बिजनेस। अब आप किस पार्ट से, अगर मेरे से आप जनरली पूछ रहे हो मैडम बिजनेस, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है। आप किसके कंपेयर में देख रहे हो वो हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। बिजनेस ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर, आप एक इंडिविजुअल बिजनेस की बात कर रहे हो, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल व्हाट यू कैन से, इंडिविजुअल कंज्यूमर बोल लो यार, प्रोड्यूसर बोल लो, और क्या बोल सकते हो आप, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, ठीक है। पर्टिकुलर कोई इंडस्ट्री लेवल की बात कर लो आप, पर्टिकुलर कोई बिजनेसमैन की बात कर लो, पर्टिकुलर बिजनेस की बात कर लो, और क्या क्या, ये सारी पार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स है बेटा, ये पूरा पार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स है, समझ में आ रहा है ये। आकाश बोलो, समझ में आया, ठीक है, ओके ओके। विरल इज ऑल्सो हियर, यस वेलकम वेलकम डियर। आज आपका फर्स्ट लेक्चर होगा ना, थोड़ा सा ये रिवीजन सेशंस है, बहुत डिटेल में पहले के लेक्चर्स में पढ़ाया है, प्लीज गाइस इट्स रिक्वेस्ट फॉर यू ऑल। मज़ा नहीं आएगी, वो कनेक्टिविटी नहीं आ पाएगी आप लोगों में, ठीक है। तो कनेक्टिविटी के लिए पहले बिल्कुल इकोनॉमिक्स में कभी भी कोई भी लेक्चर में आके बैठ जाओ, सब समझेगा, ठीक है। बट कनेक्टिविटी चाहिए, एकदम सिक्वेंस वाइज चाहिए, पहले के लेक्चर्स ध्यान से देखना है, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें भी है, चलो। तो इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है, इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इकोनोमिया, जिसे हम लोग बोलते हैं हाउस होल्ड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स। मतलब जब हमारी मम्मा अपना घर अच्छी तरह से मैनेज कर रही है, डैडी अपना बिजनेस अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद में जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो पूरे इंडिया लेवल के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रहा है, ये सारी चीज़ें किसका पार्ट होती है, इकोनॉमिक्स का। मतलब इंडिया के अंदर, मैडम ये हाउस होल्ड वर्ड क्यों दिया, हाउस होल्ड मतलब इंडिया के अंदर जो भी रिसोर्सेज है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे वो मैनमेड रिसोर्सेज हो, चाहे नेचुरल चाहे मैनमेड, उनका अच्छी तरह से मैनेजमेंट करना। ये समझ में आ रहा है, डन, ये भी हमने कर लिया था। फिर मैंने बेटा आपको ये बता दिया था कि रिसोर्स मतलब सिर्फ मनी मनी रिसोर्स नहीं होगा, टाइम भी रिसोर्स है, क्योंकि चाहे आप वो टाइम पे सो लो, मस्ती कर लो, या अपना पढ़ाई लिखाई करके अपने करियर बना लो, है ना, तो टाइम भी रिसोर्स है। उसके बाद में इस स्लाइड में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी कि क्या क्या रिसोर्स है एक एक बिजनेसमैन के लिए, उसका जो रॉ मटेरियल है वो रिसोर्स है ना, एक बिजनेसमैन के लिए उसका जो रॉ मटेरियल है रिसोर्स है। मैडम एक लकड़ी काटने वाला, उसके लिए उसकी लकड़ियाँ रिसोर्स है, एक वुड कारपेंटर, उसके लिए उसका जो वुड है वो रिसोर्स है, समझ में आ रहा है। एक इंडस्ट्री है मैम, उसके लिए उसके लेबर्स रिसोर्स है, एक बिजनेसमैन है मैम, उसका कैपिटल रिसोर्स है, हर एक चीज, हर एक चीज। मैडम ये लैंड देखो, अभी एक बार फटाफट से देख लो, मनी रिसोर्स है, येस और नो, लैंड कैसे रिसोर्स है, वो लैंड अगर मेरे पास में एक्स्ट्रा पड़ा है, ठीक है, मैंने वो लैंड किसी को सामने वाले को यूज करने के लिए दिया, तो मुझे उसके बदले में रेंट मिलेगा, इट्स अ रिसोर्स फॉर मी, ठीक है। लाइफ स्टॉक, अरे एक फार्मर के लिए ले, जो उसके गाय बैल भेड़ बकरिया जो भी है वो सब उसके जो लाइफ स्टॉक्स है, देखिए लाइफ स्टॉक्स, जिंदा स्टॉक्स, ठीक है, वो भी उसके लिए रिसोर्स है। पीएनजी ज्वेलर्स के लिए, पीएनजी ज्वेलर्स के लिए, तनिष्क वाले के लिए उसकी ज्वेलरी रिसोर्स है। टाइम, ऑब्वियसली टाइम रिसोर्स है, हम लोग वो टाइम पे या तो अच्छी प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं या फिर वेस्ट कर सकते हैं टाइम, है ना, ये सारे अपने रिसोर्सेस थे। हाँ, ये स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया था, सेल 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 सेल, इस तरह से कंपनीज क्या करती है, कंपनीज ना अपने गुड्स की डिमांड क्रिएट करते हैं। इस तरह से कंपनीज करती क्या है, अपने गुड्स की ना ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड क्रिएट करती है बेटा। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड क्रिएट करती है, वो आपको फेयर एंड लवली का एडवर्टीजमेंट चला के वो आपके अपने गुड्स का डिमांड क्रिएट करती है, ठीक है, वो अपने गुड्स की यूटिलिटी क्रिएट करती है कि भाई फेयर एंड लवली का आप सभी को बहुत यूज है, सबके सब गोरे गोरे चिट्टे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में कंपनी अपना सेल बढ़ाती है, कंपनी अल्टीमेटली क्या करती है, अपनी प्रॉफिट बढ़ाती है, एंड अल्टीमेटली इंडिया का जीडीपी बढ़ता है, ठीक है। कैसे जीडीपी बढ़ेगा, अरे बेटा इंडिया में रहने वाले लोगों की नेशनल इनकम, इंडिया में रहने वाले हर एक लोगों की नेशनल इनकम का एडिशन किया तो वो क्या हो जाएगा, पूरे नेशन की इनकम, पूरे इंडिया की इनकम। ऑब्वियसली मेरा इंडिया कहीं तो नहीं जाएगा किसी के अंडर में काम करने के लिए, ठीक है, तो इंडिया में रहने वाले लोगों की नेशनल इनकम, ठीक है। एक मिनट, एक बच्चे का डाउट है आया है, महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में कंपेयर नहीं करना है, इधर महाराष्ट्र। पूरे महाराष्ट्र लेवल की बात कर रहे हो, नाउ यू टेल मी, पूरे महाराष्ट्र लेवल की बात कर रहे हो, नाउ यू टेल मी वो माइक्रो है या मैक्रो है? आपका आंसर आपके खुद के पास है, ठीक है? पूरे महाराष्ट्र लेवल की बात कर रहे हो, समझा? मैक्रो, यस, आपका आंसर आपके खुद के पास है। वेट 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 वेट, दोस कांट बी कंपेयर, दे फॉल इन द सेम कैटेगरी। बेटा बताती हूँ, वो भी एग्जांपल्स मैं लूंगी, चिंता मत करो, सारे लेक्चर एकदम स्टेप बाय स्टेप होने दो, ठीक है? अरे पूरे बिजनेस लेवल की बात कर रहे हो, अगर मैंने ऐसा वर्ड यूज किया कि पूरे बिजनेस लेवल की बात कर रहे हो, एंटायर बिजनेस, मैक्रो, बिजनेस के एक सेगमेंट की बात कर रहे हो। चलो यार ये भी छोड़ो, मुझे एक बात बताना, ये जो अपना जो इकोनॉमी है, एयरलाइंस में भी, आपके एयरलाइंस में भी इकोनॉमी क्लास होता है? एयरलाइंस में इकोनॉमी क्लास होता है? होता है, वहाँ पे भी ये वर्ड यूज़ किया जाता है। अपने मॉल में भी एक इकोनॉमिकल सेगमेंट होता है, अपने मॉल में एक इकोनॉमिकल सेगमेंट होता है ना, वहाँ पे भी ये वर्ड आता है। मतलब हो क्या रहा है? इकोनॉमी मतलब वो एक एंटायर सिस्टम जहाँ पे थोड़े चीपर रेट्स है, ठीक है? आप समझ में आ रहे ये जो वर्ड्स है आप कैसे यूज़ कर रहे हो? मॉल में पर्टिकुलर एक इकोनॉमिकल सेगमेंट है जहाँ पे सस्ते गुड्स मिलते हैं, डिस्काउंटेड रेट्स में मिलते हैं, मतलब पूरे मॉल में वो एक पर्टिकुलर सिस्टम। इकोनॉमी बोला तो बेटा सिस्टम, सिस्टम से कंपेयर करो आप उसे, ठीक है? और इकोनॉमिक्स तो एक सब्जेक्ट है, ठीक है? ओके चलो, तो इस तरह से, अच्छा ये वाला पार्ट समझ में आया, ये सेल 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 करके क्या करती है हमारी ये कंपनीज, इस तरह से इकोनॉमिक बिहेवियर को अफेक्ट करती है, इस तरह से इकोनॉमिक के बिहेवियर को अफेक्ट करती है, ठीक है जी? चलो, एंड लास्ट लेक्चर में ये हमने एकदम तोड़ पढ़ाई की थी कि इकोनॉमी किस तरह से फंक्शन करती है, गवर्नमेंट क्या कहते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं, वो याद आ रहा है? जीएसटी रिलेटेड एकदम से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जीएसटी, फिर एकदम से रातों रात बोल दिया था कि अब 1000 रुपए के नोट नहीं चलेंगे, अब 500 की नोटें नहीं चलेंगी, इसका डिटेल लेक्चर्स में है, ठीक है बेटा? वो पर्टिकुलर लेक्चर आप देखना, ओके। उसके बाद में प्रोड्यूसर्स किस तरह से इकोनॉमी में इफेक्ट करता है, कंज्यूमर किस तरह से इकोनॉमिक में इफेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। अब ये इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इकोनॉमी बहुत हो गया यार, ज़रा मुझे इतना बता दो, आपको आपके पप्पा के बारे में मालूम है क्या? आप हमारे पप्पा, आपके पप्पा नहीं है, हमारे पापा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बेटा मैं बात कर रही हूँ, आपको आपके पप्पा के बारे में मालूम है? कौन है हमारे डैडी? एडम स्मिथ, ठीक है, ओके। चाणक्य जी किसे बोलते हैं? चाणक्य कौन से थे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने पॉलिटिकल आइडियाज, पॉलिटिक्स का जो आइडियाज है वो भी इकोनॉमिक्स में मर्ज किया? चंद्रगुप्ता, चाणक्य, कौटिल्यस व्यूज, आपने 11th स्टैंडर्ड में ये सारी चीजें पढ़ी है, ठीक है? मैडम भूल गए? हाँ तो फिर आ जाओ, तो फिर मैं आपको सारी चीजें बता दूंगी, ठीक है? भूल भी गए हो तो भी चिंता नहीं है, बिकॉज ये सारे कंसेप्ट अपने पूरे 12th स्टैंडर्ड में काम में आने वाले हैं, ठीक है? चलो यार, आपको पता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अपने डैडी हैं, एडम स्मिथ जी, पूरे इकोनॉमिक्स, ठीक है? ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट, क्या नाम है? एडम स्मिथ। इन्होंने, मैडम ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, नेक्स्ट लेक्चर सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा, ये देखो इधर, ये सारी चीज़ें आपको कब कब कहाँ कहाँ ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स वर्ड यूज़ करना है, कहाँ नियो क्लासिकल, कहाँ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, सब बता दूंगी, ठीक है? बस लेक्चर्स का फ्लो चलने दो, ठीक है? एंड एकदम फ्लो में सारी चीज़ें देखो, तो आपकी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है ना, ये वर्ड्स अगर आपने एडम स्मिथ की डेफिनेशन लिखी है और ये नहीं लिखा, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 सब में, ये अल्फ्रेड मार्शल जी आने वाले हैं हमारे, और उसमें अगर आपने ये नहीं लिखा, मार्क्स कट जाने, ये नहीं लिखा, और ये सारी चीज़ें अगर आप लिख रहे हो तो बेहतरीन प्रेजेंटेशन होगा, वो सारी चीज़ों के लिए, एक एक चीज़ के लिए मैं आपके लिए एफर्ट्स ले रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? लेक्चर ध्यान से सुनो, कब कौन सा लेक्चर, कब कौन सी सिचुएशन कब काम में आएगी, बाद में मुझे सिर्फ रेफरेंसेस देना है, ठीक है? चलो यार, एडम स्मिथ जी कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये कौन से इकोनॉमिक्स थे? क्लासिकल इकोनॉमिक्स। क्लासिकल इकोनॉमिक्स मतलब क्या था मैडम? जो सबसे पहले, जो 18th सेंचुरी के इकोनॉमिस्ट थे, जो सबसे पुराने इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है? इनकी ना एक अलग थॉट होती है, एक अलग अपनी बिलीफ होती है, ये जो क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिस्ट रहते हैं,
ठीक है, इनकी ना एक अपनी थॉट होती, अपनी बिलीफ होती। ये नियो क्लासिकल क्या होता है मैडम? 19th सेंचुरी के, 19th और 20, इन दोनों के बीच के, ठीक है। 20 के मेरे ख्याल से आप फर्स्ट पार्ट मान लो, 20th सेंचुरी का आधा पार्ट, ठीक है। इसे आप लोग नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स बोलते हो, ध्यान से सुनना। और उसके बाद कौन से इकोनॉमिस्ट है? उसके बाद आए हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट 20th सेंचुरी से टिल डेट, ऑलराइट, ठीक। तो एडम स्मिथ जी को हम लोग पप्पा पप्पा बोलते हैं, इकोनॉमिक्स से पप्पा बोलते हैं। तो हमारे घर के पापा क्या करते हैं? हमेशा पैसा पैसा बोलते हैं, एक ज़्यादा खर्चा मत कर, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, हमेशा इस तरह के डायलॉग्स हम लोग सुनते हैं। तो वैसे ही हमारे जो फादर है, इकोनॉमिक्स के फादर है, उन्होंने भी पैसा पैसे की बात किया है। उन्होंने यही बोला है कि इकोनॉमिक्स क्या है? इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ। सिर्फ पैसों की पढ़ाई करना, पैसों की स्टडी करना, पैसों के एंगल से देखना पूरी इकोनॉमिक में, इसको क्या बोलते हैं? इट इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ। इन्होंने एक वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है, ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं हमारे अल्फ्रेड मार्शल जी, जिन्होंने ये बताया कि भाई इसे पैसे पैसे की स्टडी करने को इकोनॉमिक्स नहीं बोलते हैं। सिर्फ पैसा पैसा नहीं, पैसा रहेगा तो क्या कर लोगे? अपने पास इंडिया में जो रिसोर्सेज है, अब ध्यान रखना, ये अपना पहला लेक्चर, जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। जो रिसोर्सेज है, आपको मैंने रिसोर्सेज बताया कितने सारे रिसोर्सेज है, मनी था, लैंड था, सारी चीज़ें, ठीक है, लाइफ स्टॉक से फार्मा के लिए, लाइफ स्टॉक से बिजनेसमैन के लिए उसके गुड्स रिसोर्सेज है, रॉ मटेरियल रिसोर्सेज है ना, वो सारे रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, क्या कर लोगे अगर इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पैसा है और रिसोर्सेज नहीं है तो? समझ में आया? जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, ठीक है, सिर्फ पैसों की स्टडी करने को इकोनॉमी नहीं बोला जाता। जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, इसलिए ना आप लोगों की भलाई के बारे में सोचो, वेलफेयर, लोगों की भलाई कैसे होगी, वेलफेयर के बारे में सोचो, ठीक है। फिर आते हैं हमारे लियोनल रॉबिन्स, जो एक मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, और वो हमें ये बताते हैं कि भाई पप्पा बोलते हैं पैसा पैसा, ठीक है। अल्फ्रेड मार्शल जी आते हैं, बोलते हैं भलाई भलाई, लोगों की भलाई होनी चाहिए। भलाई कैसे होगी? जब लोगों के पास में इनफ क्लोथिंग, मटेरियल वेलफेयर होगा, जब इनफ क्लोथिंग रहने के लिए बहुत भरपूर होगा, ठीक है, अच्छा खासा प्लेस होगा, क्लोथिंग अच्छे से होंगे, बहुत सारे कपड़े होंगे, बहुत अच्छे से लविशियस, एक बोलते हैं ना, एक लग्जूरियस लाइफ होगी आपकी। मुझे बताना, क्या हर किसी की लग्जूरियस लाइफ पॉसिबल है? नो, लग्जूरियस लाइफ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हर एक इंसान के पास जो उसके रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और ये रिसोर्सेज लिमिटेड है। अपने पास में अनलिमिटेड वॉन्ट्स है, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इसके कारण इकोनॉमी में ना एक सिचुएशन आ जाती है, स्कैर्सिटी। तो लियोनल रॉबिन्स ने स्कैर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है। लियोनल रॉबिन्स ने कौन सी डेफिनेशन दी है? स्कैर्सिटी, कि रिसोर्सेज की कमी है। आप समझो बात को, भलाई भलाई भलाई, लोगों की भलाई कभी पूरी नहीं होनी है, ठीक है। गाइस, ये सिर्फ इतना पार्ट समझ में आया क्या? ये चैनल, ये लिंक समझ में आई आप लोगों को आज? ये लिंक समझ में आई? पप्पा पप्पा क्या बोलते हैं? पैसा पैसा पैसा, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है। मार्शल जी क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी से, मार्शल जी क्या बोलते हैं हमारे? एकदम तोड़, ओके। मार्शल जी क्या बोलते हैं? भलाई क्या पैसा पैसा करते हो पापा, थोड़ी तो लोगों की भलाई के लिए भी सोचो ना, है ना। और लियोनल रॉबिन्स जी क्या बोलते हैं? भलाई भलाई, लोगों की भलाई कभी पूरी नहीं हो सकती है, कमियां हैं रिसोर्स की, स्कैर्सिटी है, ठीक है। यस, एकदम तोड़, चलो यार, थैंक यू एवरीवन। इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ओके, चलो, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।